हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से स्टडी सर्जी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं अपने इस वीडियो में टॉपिक सेलेक्ट किया हूँ वोट एंड स्ट्रीम। दोस्त जी हाँ दोस्तों, वोट एंड स्ट्रीम नाव और धारा से मैं इस वीडियो में जो है दोस्तों क्वेश्चन लेके आया हूँ। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है दोस्तों। आप ये क्वेश्चन जितने भी मैं यहाँ सेलेक्ट किया हूँ सब एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ये SSC CGL आप देख रहे हैं और रेलवे NTPC, ये दोनों एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। मैं उसी क्वेश्चन को सेलेक्ट किया हूं और बेहद आसान तरीके से मैं इसमें आपसे जो है इसके सलूशन को दिया हूं। जी हाँ दोस्तों, आप मेरे साथ लास्ट तक बने रहिए। इस वीडियो में आपको बहुत ही आसान शब्दों में, बहुत ही आसान तरीके से मैं इस वीडियो में ऐसे उस क्वेश्चन को सॉल्व किया हूँ। आपको देखते ही लगेगा कि नहीं यार, इससे आसान तरीका हो नहीं सकता। जी हाँ दोस्तों, आप मेरे साथ लास्ट तक बने रहिए। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मैं ऐसे ही बेहतरीन प्रश्न आपके लिए लेके आता रहूं और आप मेरे साथ अपडेट होते रहिए। तो आइए दोस्तों, मैं सीधे सीधे आपको क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ। और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करिए। अगर आपको अच्छा लगे तो आप अपने जो फ्रेंड्स हैं उनको भी आप इस बात को बताइए कि हाँ, इससे आसान तरीका और कहीं नहीं मिल सकता। जी हाँ दोस्तों, आपको 100% श्योर है, आप जितने क्वेश्चन बोट एंड स्ट्रीम में मैं सेलेक्ट किया हूँ, अगर ये क्वेश्चन आप अटेंड करके आते हैं, यहाँ पे पढ़ के जाते हैं, तो आप एग्ज़ाम में सारे क्वेश्चन अटेंड करके आएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको जितने टाइप मैं यहाँ सेलेक्ट किया हूँ, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। दोस्तों आइए, मैं क्वेश्चन पर आपको ले कर चलता हूँ। दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर मैं सेलेक्ट किया हूँ नाव और धारा। ये मेरा टॉपिक है आज, नाव और धारा, बोट एंड स्ट्रीम। जी हाँ दोस्तों, मैं इसमें आपसे बात करूँगा बोट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चन के बेसिक कॉन्सेप्ट कुछ। दोस्तों आप देख लीजिए, अगर आपको ये टॉपिक अच्छे से जानना है तो आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आने चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट आपको आते हैं तो आप क्वेश्चन के साथ इंसाफ कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन को आप अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे, आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाएंगे। यहाँ पर पॉइंट मैं ए सेलेक्ट किया हूँ, शांत जल में तैराक नाव जहाज की चाल। जी हाँ दोस्तों, अगर शांत जल में तैराक नाव जहाज की चाल पूछा जाए तो वहाँ पे हम ऑलवेज यक्स किलोमीटर पर घंटा मानेंगे, यक्स किलोमीटर पर हावर। तो इस तरीके से नाव, तैराक और जहाज की चाल को हम यक्स से लट करेंगे। अगर वहीं पे आपसे बात करें धारा की चाल, तो वहाँ पर धारा की चाल आप वाई किलोमीटर पर घंटा मान सकते हैं, या वाई किलोमीटर पर हावर। तो इस तरीके से नाव की चाल को हम वाई से समझेंगे इस वीडियो में, और तैराक नाव जहाज की चाल को हम एक्स किलोमीटर पर घंटा पर एक्स किलोमीटर पर हावर समझेंगे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे नाव, तैराक, नाविक, जहाज, ये सारे वर्ड अगर मिलते हैं तो हम एक्स किलोमीटर पर घंटे की चाल से उसको जो है समझेंगे। और धारा की चाल जो कि नाव के साथ बह रही है, विपरीत दिशा में बह रही, उसको हम वाई किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से समझेंगे। ये रहा दोस्तों एक दो पॉइंट जो बेहद आसान है, इसमें कुछ दिमाग लगाना नहीं है। यक्स वाई आपको मानना है, यक्स ऑलवेज तैराक नाव जहाज को लिट करेंगे, और सीधे से धारा की बात करेगा तो वाई किलोमीटर। अब पॉइंट नंबर सी पे आप देख रहे होंगे, तैराक नाव जहाज की धारा के साथ गति। अगर धारा के साथ गति, कुछ नहीं करना, यहाँ पर हमने नाविक को यक्स माना है, धारा को वाई माना है, तो सीधे सीधे उसके साथ दोनों की गति को हम एक्स प्लस वाई मान सकते हैं। तो सीधे सीधे तैराक नाव जहाज की धारा के साथ गति एक्स प्लस वाई किलोमीटर पर हावर होगी। डी पॉइंट पर आप देख रहे होंगे, नाव, तैराक नाव जहाज की धारा के विरुद्ध गति एक्स माइनस वाई किलोमीटर पर हावर होगी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ विरुद्ध है, विपरीत है, अपोजिट की बात कर रहा है। वह रिलेटिव था, वहाँ पर जो है साथ में चल रहा था, यहाँ पे उसके अपोजिट है। तो यहाँ पे सीधे सीधे विरुद्ध की बात में एक्स माइनस वाई लेंगे। दोस्तों यहाँ पे मैं नीचे देख रहे होंगे, टाइप वन सेलेक्ट किया हूँ। टाइप वन में मैं क्वेश्चन जो लेके अपना आया हूँ इस वीडियो में, ये दोस्तों 100% एग्ज़ाम, दोनों एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, रेलवे में भी पूछा गया और SSC में भी पूछा गया। रेलवे में ये ग्रुप डी में आया है, और SSC में दोस्तों ये MTS में आया है, MTS में आया है, स्टैंडो में आया है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। एक नाव की धारा के साथ गति 12 किलोमीटर पर हावर है। जी हाँ दोस्तों, एक नाव की धारा के साथ गति, यहाँ पे धारा के साथ गति आप x प्लस वाई को लेट हमने किया है मान सकते हैं, या सीधे सीधे आप
यहाँ से देख सकते हैं, इसको एक नया वेलासिटी मान लेंगे, तो यू अगर यू वेलासिटी से तो हम कह सकते हैं 12 किलोमीटर पर आवर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे यहाँ इतना आप पढ़ चुके हैं। सेकेंड थिंग क्या है कि धारा के विरुद्ध इसकी गति जो है 6 किलोमीटर पर आवर है। नाविक की, जी हाँ दोस्तों, नाव की शांत जल में गति बताएं। यहाँ नाव, नाविक, तैराक, जहाज, इन सब की बात करें तो हम सीधे सीधे उसको यक्ष मानेंगे। यहाँ से दोस्तों आप दो तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ट्रिक आपके लिए मैं जो पॉइंट है उसको लिखा हूँ, पढ़ लीजिए, देख लीजिए। यदि मनुष्य, नाव, जहाज की धारा के साथ गति यू किलोमीटर तथा धारा के विरुद्ध गति वी किलोमीटर पर हावर हो, तो पॉइंट ए पे मनुष्य, नाव, जहाज की गति को हम क्या मानेंगे? यू प्लस वी बाई टू। जी हाँ दोस्तों, उसका जो है औसत निकाल देंगे तो वो मनुष्य जहाज की जो है चाल हो जाएगी, यहाँ पे गति हो जाएगी। यहाँ पे बी पॉइंट पे आप देख रहे होंगे धारा की गति, आप सीधे सीधे उसको उन दोनों इलास्टिक को सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो वहाँ पे आपको धारा की गति मिल जाएगी। तो इस तरीके से आपको अगर मनुष्य, नाव, मनुष्य, नाविक और जहाज की गति पूछेगा तो आप सीधे सीधे उन दोनों वेलासिटी को ऐड करके दो से डिवाइड कर देंगे, उसकी आ जाएगी गति। और अगर आपको धारा की गति पूछे तो आप जो है दोनों को सब्सट्रैक्ट करा के डिवाइड करा देंगे। यहाँ से आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, आपको ये कॉन्सेप्ट अगर याद रहता है तो आप आसानी से क्वेश्चन कर देंगे। यहाँ देख रहे होंगे नाव की गति, नाव की गति को सीधे सीधे हमने कहा, यहाँ हम पहली गति दे रखा है 12 और दूसरी को हमने जो है मनुष्य, नाव, जहाज की गति इस फार्मूले में रखा, तुरंत आंसर आया। ये 12 6 18 बटा 2, 2 9 18, 9 किलोमीटर पर हावर, 9 किलोमीटर पर हावर या कहें 9 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से नाव चलेगी या नाव की गति होगी। दोस्तों अगर यही बात करता कि धारा की गति क्या होगी तो वहाँ पे आप सीधे सीधे 12 माइनस 6 करते बटा 2 तो आपको मिलता 6 बटा 2, तो यहाँ से 3 मिलता। जी हाँ दोस्तों, वहाँ धारा की गति आपको 3 किलोमीटर पर हावर होती। अब बात करते हैं दोस्तों इसके सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन में दोस्तों यहाँ पे आपसे वही बात है जो मैं बताया, क्वेश्चन अलग है, 12 और 6 हैं, यहाँ पे 12 और 8 की गति है तो आपसे धारा की गति पूछेगा। सीधे सीधे आप 12 माइनस 8 करेंगे और उसके बाद 2 से डिवाइड कर देंगे, सीधे सीधे यहाँ पे घटाएंगे तो 4 आएगा, 4 को काटेंगे तो 2 से कट जाएगा, 2 किलोमीटर पर हावर। तो इस क्वेश्चन में आप देख पा रहे होंगे कि आपको आंसर 2 किलोमीटर पर हावर मिला। तो इस तरीके से आप इसके क्वेश्चन को आंसर कर दिए। यहाँ दोनों बहुत ईजी है, कोई इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। आइए दोस्तों मैं टाइप 2 के जो बेस्ट क्वेश्चन है उस पर बात करता हूँ। टाइप 2 में मेरा दोस्तों क्वेश्चन है, एक व्यक्ति पानी के प्रवाह के साथ 28 किलोमीटर जाने में 5 घंटे का समय लेता है। जी हाँ दोस्तों, 28 किलोमीटर जाने में वो 5 घंटे का समय लेता है तथा प्रवाह के विरुद्ध 13 किलोमीटर जाने पर 5 घंटे का समय लेता है। समय वो बराबर ले रहा है बट जो है विरुद्ध आ रहा है, तो सेवर सी बात है उसको ज़्यादा वर्क करना होगा क्योंकि धारा के साथ बहने में ज़्यादा दूरी आप तय कर सकते हैं, धारा के विरुद्ध आप अगर चलते हैं तो धारा आपको काफ़ी टाइम रोक के रखेगी, तो वहाँ कम दूरी आप तय करेंगे। तो वो जाने में धारा के साथ 28 किलोमीटर बह जा रहा है 5 घंटे में, या उसके साथ प्रवाह कर रहा है, और विरुद्ध में अगर आ रहा है तो 13 किलोमीटर। तो इस तरीके से कह रहा है पानी की प्रवाह की गति बताएं। जी हाँ दोस्तों, पानी की या कहें धारा की प्रवाह की गति पूछ रहा है। यहाँ पे वाई की बात किया है, वाई का मान क्या होगा? यक्स बोले तो नाविक होगा, यक्स यहाँ पे नाविक, तैराक, जहाज की बात किया है, वाई बोले तो पानी के बहाव की गति क्या होगी, धारा की गति पूछ रखा है। तो यहाँ सीधे सीधे हमें वाई टारगेट करना, हमें दोस्तों पता है पहले से, हम जानते हैं चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। ये बात किया है 28 किलोमीटर जाने में 5 घंटा का समय लेता है, अगर यहाँ से मैं चाल निकाल दूँ तो 28 बटे 5 करूँगा। जी हाँ दोस्तों, वो पहली चाल होगी, या यू कहें या फिर कहें यक्स मान लें। और यहाँ पे दूसरी बात किया है धारा के विरुद्ध, उसको हम वी मान रहे हैं, तो 13 13 बटे 5 वहाँ भी वही बात होगी, तो यू और वी हमें मिल गए। जी हाँ दोस्तों, बस अब हमें इस फार्मूले में रख के आंसर दे देगा। सीधे सीधे आप ये समझिए यहाँ से कि
आपको अगर ये मिला तो आप सीधे सीधे करेंगे पानी तथा धारा की प्रवाह की गति यू माइनस वी बटा, तो जैसा कि यहाँ दोस्तों आप देख रहे हैं किलोमीटर पर हावर। तो इस तरीके से आप इसमें क्वेश्चन में आप पुट कर देंगे वैल्यू। तो आप यहाँ देखिए मैं सॉल्व किया हूँ, आप बस देखते रहिए। गति आपको बतानी है तो यहाँ 28 बटे 5 माइनस 13 बटे 5, इसको आप जो एलसीएम इन लोग का सेम है तो सीधे सीधे ऊपर जो है ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, 28 से 13 निकलेगा 15 आएगा, 5 डिवाइड करेंगे तो आपको 3 मिलेगा और ये सीधे सीधे आपको यहाँ से 3/2 डिवाइड करेंगे 1.5 किलोमीटर पर आवर। जी हाँ दोस्तों, आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, आपको आंसर मिलेगा 1.2 किलोमीटर पर आवर। तो सीधे सीधे आप बता देंगे धारा जब पानी के प्रवाह की गति 1.5 किलोमीटर है। क्वेश्चन नेक्स्ट है मेरा दोस्तों, यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक नाविक धारा की दिशा में 48 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करता है। धारा की दिशा में वही बात है, यहाँ U आप मान लेंगे 48 बटे 4। एक्स वाई से भी आप निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। को यू और वी मान रहे हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर एक्स आप वाई मान रहे हैं तो एक्स प्लस वाई दो इक्वेशन बनेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, फिर आपको एक्स वाई की वैल्यू देनी होगी। एक्स वहां पे नाविक की गति बताएगा शांत जल में और जो है वाई आपकी धारा की गति बताएगा। यू वी से आपका क्लियर हो जाता है कि ये सीधे सीधे एक्स वाई का टर्म कैंसिल आउट हो जाते हैं या एक्स वाई में बात नहीं रह जाती, यू वी डायरेक्ट हम उस ट्रिक पर रख के आंसर दे देते हैं। तो इस तरीके से हम चाल यू को मान लिए 48/4, जैसा कि लिखा है 48 किलोमीटर 4 घंटे में तय कर सकता है, जबकि धारा की विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर की दूरी को 5 घंटे में तय कर सकता है। नाविक की, जी हाँ दोस्तों, नाविक जहाज तैराक की बात करें तो उसको यक्स या यू से हम मानेंगे कि शांत जल में चाल बताए। यहाँ पे आपसे नाविक की बात किया है, आपको यू बताना है, दोनों को आपस में ऐड करके डिवाइड कर देना, बस इनकी जो है वेलासिटी आप निकालेंगे और उसके बाद इनको ऐड करके सब्सट्रैक्ट कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। जी दोस्तों, डिवाइड कर देंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। तो सीधे सीधे आप देख रहे होंगे यहाँ से यू आपको मिला 12 चौके 48, 12 किलोमीटर पर आवर, और वी आपको मिला 36/5, तो 6 किलोमीटर पर आवर, और इन दोनों को आपस में ऐड करके आप 2 से डिवाइड कर देंगे और संतुलन आया। तो ये शांत जल में नाविक की चाल आपको मिली 12/6 18/2, और इससे आप डिवाइड करेंगे तो 9 9 2 18, तो सीधे सीधे 9 किलोमीटर पर घंटे जो होगा वो नाविक की शांत जल में चाल होगी। अगर यही बात करता आपकी जो है धारा की क्या चाल होगी, तो आप सीधे सीधे उसको घटा के आप सीधे सीधे उसका आंसर दे देते हैं। यहाँ पे दोस्तों टाइप 3, जी हाँ दोस्तों, अभी तक जो क्वेश्चन मैं बताया ये बेसिक था, बहुत सारे बड़े हायर एग्जाम में तो नहीं आता, लेकिन क्वेश्चन आ जाते हैं ज़रूर। जी हाँ दोस्तों, ये इजीएस्ट क्वेश्चन है वोट एंड हिस्ट्री में। अब जो क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों टाइप 3 का, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये सीजीएल टायर 2 में आता है या टीपीसी में आता है, मोस्टली ऐसे क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में एनटीपीसी और सीजीएल के आते हैं। ये क्वेश्चन है दोस्तों, एक नाव की धारा के साथ गति 15 किलोमीटर, यदि धारा की गति 1.5 किलोमीटर है तो नाव की धारा के विरुद्ध गति बता। जी हाँ दोस्तों, यहाँ दो बातें रखते रखा है, एक नाविक की धारा के साथ गति, यहाँ धारा के साथ गति अगर हम x प्लस वाई मान ले दोस्तों, कितना दे रखा है 15। जी हाँ दोस्तों, आप ध्यान से देखते रहिए, कह रहा है एक नाव की धारा के साथ गति 15 किलोमीटर पर आवर, यदि धारा की गति 1.5 किलोमीटर है। जी हाँ दोस्तों, y की वैल्यू दे रखा है, y को हम धारा मान रहे हैं 1.5 किलोमीटर, तो कह रहा है तो तब धारा की गति के विरुद्ध गति बता। या जी दोस्तों, नाव की धारा के विरुद्ध गति, यहाँ नाव की बोले तो x की बात कर रहा है, तो पूछ रहा है नाव की धारा के विरुद्ध गति बताएं। x प्लस वाई जैसा कि मैं नीचे यहाँ पे लिखा हूँ, आपको 15 मान लेना है, दिया भी है। y की वैल्यू दे रखा है 1.5, आप y की वैल्यू यहाँ रखेंगे और यहाँ से x की वैल्यू 15 - 1.5 कर देंगे तो आपको मिलेगा, जी हाँ दोस्तों, आपको मिलेगा यहाँ से सब्सट्रैक्ट करेंगे 13.5, 15 से 1.5 निकलेगा तो आपको 1.5 13.5 मिलेगा। यहाँ से आप देख रहे होंगे मैं सॉल्व किया, 15 मिला
और यहाँ से धारा की गति फाई दे रखा है, हमने इसको यहाँ पे लाके पुट कर दिया है, 15 माइनस 1 बटा 1.5 आपको घट के मिला 13.5। जी हाँ दोस्तों, 13.5 आपको यहाँ से मिल गया क्या यक्स। और पूछ क्या रहा है, नाव की धारा के विरुद्ध गति। जी हाँ दोस्तों, नाव की धारा के विरुद्ध गति यक्स माइनस वाई होगा। हमें अभी ये वैल्यू मिली किसकी, जी हाँ दोस्तों, धारा या कहें यहाँ पे हमें नाव की गति मिली। जी हाँ दोस्तों, लेकिन हमें पूछ रहा उस धारा के विरुद्ध गति बतानी है, तो यक्स माइनस धारा के विरुद्ध गति वाई, तो सीधे सीधे 13.5 माइनस 1.5। थोड़ी सी गलती लोग यहाँ कर जाते हैं, इसलिए आंसर 13.5 करके आ जाते हैं, कि सोच लेते हैं यही जो है हमें बताना है। नहीं दोस्तों, यहाँ कर रहा है नाव की धारा के विरुद्ध गति, यही पॉइंट है जो जिसपे आपको ध्यान देना है, और आप ध्यान दिए तो आपका आंसर आएगा। यहाँ से घटाएंगे तो आपको सीधे सीधे 12 मिलेगा, 12 किलोमीटर पर घंटा, 0.55 से कट जाएगा, 13 से एक निकलेगा, तो आपको 12 किलोमीटर पर आवर की इसकी जो है नाव की धारा के विरुद्ध गति होगी। इसी पे ध्यान देना है दोस्तों, यहाँ यही पॉइंट की बात है कि नाव की धारा के विरुद्ध गति, लोग यही जो है 13.5 दे के आंसर आएंगे, जबकि आंसर क्या आएगा, नाव की धारा के विरुद्ध गति 13.5 माइनस 1/1.5, तो घटाएंगे तो सीधे से 12 आपको मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे 12 किलोमीटर पर आवर। इस तरीके से दोस्तों आप बारीकियाँ अगर समझेंगे क्वेश्चन को, तो आंसर देने में आपको बहुत आसानी होगी, और कैलकुलेशन अगर आप थोड़ा अच्छा अपना रखेंगे तो आपको बेहद आसान लगेगा, कि हमें लगेगा कि यार ये क्वेश्चन बाकी बहुत सरल है, लेकिन कॉन्सेप्ट प्लस ट्रिक। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन की ट्रिक पकड़ना सीखिए, अगर क्वेश्चन की ट्रिक आप पकड़ रहे हैं तो आप आंसर की भी समझिए ट्रिक अच्छे से पकड़ लेंगे, या आंसर अच्छे से आप दे लेंगे। तो यहाँ टाइप 4 मैं सेलेक्ट किया हूँ, टाइप 4 दोस्तों, ये टाइप 3 से ही ये हायर आ गया आपका, कह सकते हो हायर क्वेश्चन है जो अच्छे एग्जाम में, या कहें सीजीएल टायर 2, सीएसएसएल और ये रेलवे, तो इस तरीके से रेलवे, एनटीपीसी, गुड्स गार्ड, इन सब एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आपको ये ध्यान देना है, अगर आप ऐसे क्वेश्चन पे अच्छा कमांड कर लेते हैं तो आपको किसी भी एग्ज़ाम में प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि इससे ज़्यादा हायर क्वेश्चन नहीं आते। जी हाँ दोस्तों, इससे ज़्यादा हायर क्वेश्चन आने वाले ही नहीं हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन का टफेस्ट लेवल है जो आप सीख चुके हैं। अगर आप इसको जानते हैं अच्छे से तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों आइए मैं आपको क्वेश्चन पे बात करता हूँ। यहाँ पे देख रहे होंगे आप, एक नाव धारा की दिशा के कुछ दूरी 3 घंटे में तय कर सकता है, तथा धारा के विरुद्ध उतनी ही दूरी 7 घंटे में तय कर सकता है, यदि शांत जल में नाव की गति 5 किलोमीटर पर आवर हो। नाव की गति हम यक्स से सेलेक्ट करते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ ये दे रखा है। दिमाग में बातें जब हम पढ़ते रहें तो क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए, क्या हमें गिवन दैट है क्वेश्चन में, इस तरीके से हमें, क्योंकि एग्ज़ाम में हम लोग को वहाँ पे टाइम को ही बचाना है। जी हाँ दोस्तों, अगर जो टाइम बचाया वो क्वेश्चन ज़्यादा अटेंड कर पाएगा, और जो ज़्यादा क्वेश्चन अटेंड करेगा वो अच्छा मार्क्स स्कोर करेगा, सिलेक्शन श्योर है। तो इस तरीके से हमें टाइम को सेव करना है। क्वेश्चन पढ़ने में अगर हम 30 सेकेंड दे दिए और आंसर देने में हमें 1 मिनट का टाइम लग गया, या कहें तो सीधे सीधे 1.5 मिनट 2 मिनट अगर एक क्वेश्चन पर हम टाइम लेंगे, तो हमारा अदर क्वेश्चन छूटना तय है, जिसको हम पढ़ भी नहीं पाएंगे, आंसर देने की बात तो दूर है। जी हाँ दोस्तों, आप क्वेश्चन को पढ़िए, उसी वक्त क्लियर करिए, क्योंकि अभी हम सीख रहे हैं, ना कि एग्ज़ाम में बैठे हैं। तो एग्ज़ाम में आप वेल ट्रेंड, वेल प्रिपेयर्ड, वेल स्टडी करके आप जो है बैठिए, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, क्वेश्चन कभी ऐसा ना लगे कि यार ये क्वेश्चन दिमाग में मेरे स्ट्राइक कर रहा है, ये क्वेश्चन कभी मैं किया नहीं हूँ इस तरीके, तो वो क्वेश्चन, और जो क्वेश्चन टफ़ होते हैं, वाकई जो क्वेश्चन टफ होते हैं, आप कितना भी प्रयास क्यों ना कर लें, एग्ज़ाम में शायद है कि या तो होगा बहुत टाइम लग जाएगा, सही कर पाएंगे या ना कर पाएँ, लेकिन टाइम आपका बहुत ले लेगा। अब वो वाकई मान के चलिए 90% क्वेश्चन होंगे भी नहीं, अब कितना भी आप प्रयास क्यों ना कर लें, जो क्वेश्चन होने वाले होंगे वो पहली दफ़ा में हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, वो एक फर्स्ट अटैम्प्ट में आप उसको सॉल्व कर लेंगे, लेकिन जो क्वेश्चन टफ होंगे उस पे आप जो है कितना भी टाइम क्यों ना दे दें, आप शायद है कि उसका जो आंसर दें। हाँ बाद में आंसर हो जाए, कभी कभी कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि आप एग्ज़ाम हॉल में उस चीज़ को नहीं समझ पाते, एग्ज़ाम हॉल से निकलते उसका आंसर दे देते, ये थोड़ा ह्यूमन एरर की बात होती है, हर सब सबसे गलती होती है,
ये हमारा नेचर है कि हम गलती करते हैं बाद में, लेकिन उस पर हम सुधार करते हैं। तो दोस्तों, आप एग्ज़ाम में बैठने से आपका एक्सपीरियंस यही होता है कि ज़रूरी नहीं फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका सिलेक्शन हो जाए, होता है ऐसा नहीं है, लेकिन वो वेल ट्रेंड पहले से होते हैं, उसके बाद वो एग्ज़ाम में बैठते हैं। ऐसा नहीं कि वो पहली बार आए तैयारी करने बैठ गए, तैयारी करते हैं 2 साल 3 साल तैयारी करते हैं, उसके बाद वो बैठते हैं एग्ज़ाम में, तो वो फुल प्रिपेयर्ड होते हैं, इस तरीके से उनको कोई परेशानी नहीं होती। तो यहाँ पर मैं इस क्वेश्चन पर बात करूँगा, यदि दूरी समान हो। जी हाँ दोस्तों, शॉर्ट्रिक वे में देख सकते हैं आप, इसको बहुत लेंदी नहीं समझना है, आप इतना मान के चलिए कि ये क्वेश्चन हमारे लिए चैलेंज तो नहीं है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। हाँ दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है। यदि दूरी समान हो, यहाँ पे लिखा है दूरी समान, क्यों? क्योंकि कह रहा है नाव की धारा के कुछ दूरी 3 घंटे में तथा धारा के विरुद्ध उतनी ही दूरी, जी हाँ दोस्तों, उतनी ही दूरी 7 घंटे लेता है में तय करता है। यदि शांत जल में नाव की गति 5 किलोमीटर पर आवर हो तो धारा की गति बताएं। यहाँ वाई को पूछा है, धारा की गति दे रखा है, क्या है यक्स को गिवन दैट है, वाई को क्वेश्चन मार्क किया है, कहने का मतलब वाई पूछ रहा है। यहाँ आप समझ रहे होंगे, बस ये चीज़ आप देखिए, इसमें आप जैसे पुट करेंगे आपको आंसर मिले। तैराक की चाल बटे धारा की चाल, समय का योग बटे समय का अंतर। जी हाँ दोस्तों, आप सीधे सीधे आंसर पाएंगे। यहाँ पे आप सीधे सीधे दे रखा है कि वो 3 घंटे में कुछ दूरी तय करता है, अगली उतनी ही दूरी वो धारा के विरुद्ध 7 घंटे में तय करता है। तो धारा की अगर मैं चाल की बात भी करता था तो x माइनस वाई लेता था, और समान की बात करता था तो x प्लस वाई करता था। तो तैराक की चाल को हम धारा के साथ अगर बात करते थे तो जोड़ लेते थे, और धारा के विरुद्ध करते थे तो माइनस कर लेते थे। ऐसा मैं पहले भी बता चुका, कुछ बस वही कंसेप्ट था यहाँ पे जो मैं लगाया। तैराक की चाल हमने यक्स को माना, धारा की चाल हमने वाई मान लिया, यहाँ वाई आप लिख सकते हैं। उसके बाद समय का योग, जब तैराक की चाल धारा के साथ होगी तो योग कर लेंगे, यक्स प्लस वाई ले लेंगे, और यहाँ यक्स माइनस वाई। तो इस तरीके से यहाँ कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बस इसी में रख के आपको आंसर दे देना। 5 दे रखा है, 5/y ये धारा की गति है, ये 7+3 और यहाँ पे 7-3। अब घटाएंगे इसको तो सीधे सीधे 7 × 3 = 10 होगा और ये 4 आ जाएगा। यहाँ से अगर मैं y निकाल दूँ तो यहाँ आप देख सकते हैं 10 ये डिवाइड होगा, यहाँ से ऐसे समझिए दोस्तों, ये देखिए y और ये सीधे सीधे 7 × 3 = 10 हो गया, 10 को हमने डिवाइड कर दिया और ये 4 × 5 से मल्टीप्लाई होगा। तो सीधे सीधे आप समझ रहे होंगे कि 5 × 10 और 2 × 2 = 4, ये आ गया 2 किलोमीटर पर आवर। मैं बता रहा हूँ इतना टाइम भले ही आपका लग रहा है, लेकिन आप जब इसको सीख लेंगे आप मुश्किल से 10 सेकंड में आंसर करके निकल जाएंगे। आप सीधे सीधे तैराक की चाल देखेंगे, 5 दे रखा है, और उसके बाद दोनों को ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट, ये सेकेंडों का काम है। जी हाँ दोस्तों, ये मुश्किल से 1 सेकेंड लगेंगे इतना सॉल्व करने में, ये 1 सेकेंड के सवाल हैं, लेकिन क्वेश्चन आप समझेंगे तभी आप 1 सेकेंड कर पाएंगे, नहीं तो फिर छोड़ के ही आ जाएंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन में मेरा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन इसी तरीके का है, इसी टाइप का है, जहाँ पे आप देख रहे होंगे एक नाविक धारा की दिशा में निश्चित दूरी तय करने में 4 घंटे का समय लेता है। जी हाँ दोस्तों, एक मिनिमम दूरी है या निश्चित दूरी है जिसको तय करने पर वो 4 घंटे का समय लेता है, जबकि उतनी ही दूरी धारा के विपरीत दिशा में तय करने में वो 8 घंटे लेता है, समय लेता है। धारा की चाल अगर दे रखी है तो नाविक की चाल बताए। सेम क्वेश्चन ऊपर के जैसा है, वहाँ पे आपको वाई पूछा था, यक्स गिवन था, यहाँ पे क्या है, यक्स गिवन, वाई गिवन है, यक्स पूछ रहा है। तो इस तरीके से वही क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बस आपको मान लेना है। वहाँ पे हमने ऐसे ही डायरेक्ट ट्रिक लिखा था, तो यहाँ हमने माना यक्स, नाविक की चाल यक्स किलोमीटर पर आवर, अब उसको हमने डिवाइड कर दिया क्योंकि वाई दे रखा है 2, और सीधे सीधे ये 4 और 8 में बात किया है। आप ऐसे ऐड करिए, 8 − 4, यहाँ से आप 8 × 4 = 12 करेंगे, यहाँ से आपका 8 से −4 होगा तो 4 आएगा। सीधे सीधे यहाँ आप देखते हैं, यहीं से आप आंसर कर सकते हैं, ये 2 आप यहाँ से ले जाकर मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 12 × 2 / 4, तो ये 4 × 4 = 12 और ये 3 × 2 = 6। जी हाँ दोस्तों, सीधे सीधे आप यहाँ देख रहे होंगे आंसर में किया हूँ 6 किलोमीटर पर आवर, 6 किलोमीटर पर आवर आप इसका
आंसर को दे सकते हैं, क्या है नाभिक की चाल है। बस दोस्तों इसमें ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं, ऊपर वाले कॉन्सेप्ट की तरह था, बस वहाँ पे आपको नाभिक की, वहाँ पे धारा की चाल पूछा था, यहाँ नाभिक की चाल पूछा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों टाइप 5 है जी, बेहद अच्छा है और ये NTPC में, खास करके रेलवे में ये दोस्तों क्वेश्चन आया है। जी हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन हूबहू यही क्वेश्चन आपसे रेलवे में पूछा गया है और कई बार पूछा गया, एक बार नहीं कई शिफ्ट में पूछा गया। किसी नाव की चाल शांत जल में 7.5 किलोमीटर पर हावर है, यदि नदी की चाल 2.5 किलोमीटर पर हावर हो तो 15 किलोमीटर जल प्रवाह के विपरीत जाने तथा लौटने में कितने घंटे लगेंगे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ समय की बात किया है और मैं यहाँ पे आपसे शॉर्ट ट्रिक के जो मेथड लिखा हूँ वो आप इसी शॉर्ट ट्रिक में रखेंगे। जी हाँ दोस्तों, हर एक क्वेश्चन का एक अलग मेथड है, आप हर क्वेश्चन को एक जैसे नहीं कर सकते, अगर आप अलग से नहीं करेंगे तो आपका आंसर नहीं आएगा, ये मान के चलिए। आप हर क्वेश्चन में एक ही तरीके का सोचेंगे अगर हम जो है आइडिया लगाएं तो नहीं होगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को देख भी लिए एक बार और समझ लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन समझते ही ये क्लियर हो जाना चाहिए कि हमें कौन सा टाइप मिला है या हमें ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है, हमें यही प्रॉपर मेथड लगाना है। जो ये सीख गया, जो ये टैलेंट जिसके अंदर आ गया, उसका आंसर बहुत दूर नहीं रहेगा। जी हाँ दोस्तों, वो आंसर देने में बहुत करीब रहेगा क्वेश्चन के, वो तुरंत आंसर देगा और आगे निकल जाएगा। तो यहाँ कुल समय सीधे सीधे दूरी इन दोनों की समान है, 15 किलोमीटर की बात किया है, जल प्रवाह के विपरीत आने जाने में। जी हाँ दोस्तों, आने जाने का मतलब दूरी वही है, विपरीत आने एक बार जाने में एक बार लौटने में, दूरी 15 किलोमीटर दे रखा है। चालों का योग, जब दूरी समान हो तो एक बार चालों का योग यहाँ दूरी के साथ करिए, एक बार चालों का अंतर, अब अलग अलग करके कुल समय, क्योंकि यहाँ पे दो बार लिखने का मतलब ये समझिए कि अलग अलग इनकी जो है वेलोसिटी है। शांत जल में 7.5 किलोमीटर पर हावर, यदि नदी की चाल 2.5 तो 15 किलोमीटर जल प्रवाह के विपरीत तथा लौटने में कितने घंटे लगे। जी हाँ दोस्तों, तो एक बार आप 15 बटे इन दोनों चालों को आपस में जोड़ लेंगे और एक बार घटा लेंगे और उसके बाद इन दोनों का टोटल सम कर लेंगे, आपको आंसर मिलेगा। जब यहाँ आप करेंगे फर्स्ट टाइम, फर्स्ट स्टेप ये देखिए, तो सीधे सीधे 15 और ये जोड़ेंगे तो आपको 10 मिलेगा, तो 15/10, और इसको जब घटाएंगे तो यहाँ से आपको 5 मिलेगा, 5/15/5, आप सीधे सीधे इसको डिवाइड कर देंगे, 5 15, तो सीधे सीधे आप देख पा रहे होंगे 3 यहाँ से मिला, 15/10, 15/10 सीधे सीधे 1.5 हो जाएगा, ये 1.5 + 3, तो सीधे सीधे ये आपको मिलेगा यहाँ से 4.5। जी हाँ दोस्तों, आप 4.5 इसके 4.5 घंटे, 4.5 या 4.5 घंटे लगेंगे इस दूरी को तय करने में, कुल समय कितने आपको 4.5 घंटे, ये आपका रहा ये इस क्वेश्चन के लिए आंसर। दोस्तों इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, इस क्वेश्चन को कई वे में पूछा है। जी हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन को कई वे में दे रखा है, यहाँ दूरी दे रखा है, यहाँ पे चालों का योग या कहें चाल दे रखा है, समय पूछ रहा है, अगले क्वेश्चन में समय दे रखा रहेगा, आपसे चाल पूछेगा किसी की या दूरी पूछेगा। आइए मैं अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। एक नाव नदी की धारा के साथ तथा धारा के विरुद्ध 6 किलोमीटर आने जाने में, जी हाँ दोस्तों डिस्टेंस दे रखा है 6 किलोमीटर, 2 घंटे का समय लेता है, टाइम भी दे रखा है 2 घंटे का, 2 आवर। यदि नदी की गति कहने का मतलब धारा की गति दे रखा है, धारा की गति अगर हम कहें तो यक्ष दे रखा है, क्या है 4 किलोमीटर, जी हाँ दोस्तों 4 किलोमीटर पर आवर, पूछ रहा है शांत जल में शांत जल की गति बताएं, नाव की शांत जल में गति बताएं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ वाई दे रखा है, वाई बोले तो 4 है, यक्ष पूछ रहा है, नाव बोले तो यक्ष है, नाव की शांत जल में गति पूछ रहा है, ये आपको वाई दे रखा है 4। तो आप जब इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर जाएंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आंसर देने में। यहाँ आप मान लीजिए कि हमें नाव की शांत जल में गति पूछ रहा है, हम उसको यक्ष सेलेक्ट कर लेंगे, यक्ष सेलेक्ट कर लिए, अब उसके बाद हमने यहाँ देखिए कुल समय आप दो रखिए, दो रखा दे रखा है, दूरी पूछ रहा है 6 और यहाँ पे हम यक्ष प्लस 4 कर लेंगे, अगली बार इसी में एक्स माइनस 4 कर लेंगे,
और इसको सॉल्व जैसे ही करेंगे आपको आंसर आसानी से मिलेगा। देखते रहिए दोस्तों, यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे इन दोनों का जो है वही एक्स प्लस ए एक्स माइनस ए जो फार्मूला होता है। मैथ के स्टूडेंट आसानी से इस चीज़ को समझ पा रहे हैं, आप ऐसा समझिए एक्स माइनस अगर ये होता है प्लस माइनस एक साथ तो ए का स्क्वायर हो जाता है, हमने ए का ए की जगह एक्स है तो एक्स स्क्वायर कर दिया, माइनस ये फार्मूला है तो आप यहाँ पे बी का स्क्वायर करेंगे तो सीधे सीधे एक्स स्क्वायर माइनस चार चौका सोलह, ये आ गया हमारा बटे में या कहें हर में आ गया, और यहाँ से एक बार इधर मल्टीप्लाई हुआ तो जब इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो सिक्स एक्स माइनस ट्वेंटी फोर प्लस बीच में प्लस है तो प्लस सिक्स एक्स प्लस ट्वेंटी फोर, तो ये ट्वेंटी फोर प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये छः और छः बारह हो जाएंगे, और यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई हम दोस्तों एक ही स्टेप में कई स्टेप सबमिट कर देते हैं ताकि हम कम जगह में या कहें कम समय में जल्दी से सॉल्व कर लें क्वेश्चन। तो हम देखिए एक ही स्टेप में कई स्टेप सबमिट कर दिए हैं, ये जब आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको सबमिट करने में 10-10 स्टेप लगभग 5 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप तो आप माइंड में सॉल्व कर लेंगे, और यही आपका जो है एक स्मार्ट वर्क होता है, जब आप ज़्यादा स्टडी कर जाते हैं तो आप कई स्टेप को अपने दिमाग में ही सॉल्व कर लेते हैं, वो आपको टाइम को बचाता है। यहाँ से आप सॉल्व करेंगे आपको मिलेगा 2x² - 32 = 12, आप इसको जब सॉल्व करते हुए नीचे तक जाएंगे आपको दोस्तों ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, आप इसका गुणनखंड कर दीजिए आपको आंसर मिलेगा। यहाँ x की दो वैल्यू आ रही है, माइनस आ रही है प्लस 8 आ रही और माइनस 2 आ रही, माइनस कभी दूरी विपरीत दिशा में आती है लेकिन यहाँ माइनस को हम कैंसिल आउट कर देंगे और हम लेंगे प्लस 8। तो इस तरीके से जो हमारा नाव की शांत जल में चाल आई या गति आई वो कितनी आ गई, 8 किलोमीटर पर आवर। जी हाँ दोस्तों, हमें क्या मिला, 8 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन अगला क्वेश्चन मेरा है अगले टाइप का। दोस्तों आपको अगर प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको अगर कोई सुझाव देना है तो वो भी दे सकते हैं, आपका वेलकम है हमारे चैनल पर। और अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक ज़रूर करिए वीडियो, और अपने दोस्तों को ये ट्रिक या कहें ये वीडियो ज़रूर सेंड करिए ताकि वो भी देख सकें और समझ सकें कि एग्ज़ाम में रेलवे या TPC या ग्रुप डी या फिर अदर जो स्टेट के एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वो एमपी का हो, चाहे वो स्टेट राजस्थान का हो, चाहे अपना यूपी स्टेट हो, कोई भी स्टेट हो, तो वो सभी स्टेट में जो वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट की एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है उस एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन अच्छे जो है प्ले रोल जो है अपना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये भी क्वेश्चन वहाँ पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन एक बार सीख जाएंगे, और मैथमेटिक्स ऐसी चीज़ है अगर आप एक बार सीख गए अच्छे से तो फिर आपके दिमाग से कोई हटा नहीं सकता, आपको मैथ पे ही ज़्यादा टाइम बचाना होता है। जी हाँ दोस्तों, जो टाइम लोग मैथ से ही भागते हैं वो मैं कहता हूँ कि टाइम मैथ से ही हमारा बचता है, क्यों, क्योंकि मैथ आप जल्दी सॉल्व कर सकते हैं अगर आपकी तैयारी अच्छी है, और मैथ आप अच्छा सॉल्व कर दिए तो आप अदर क्वेश्चन को जल्दी अटेंड कर पाएंगे और आंसर देंगे, अगर इसमें आपको ज़्यादा टाइम लगेगा तो आप श्योर सी बात है दूसरे क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। टाइप सिक्स है, टाइप सिक्स में क्वेश्चन सेलेक्ट किया हूँ, एक आदमी की शांत जल में गति, जी हाँ दोस्तों उसकी चाल दे रखा है 6 किलोमीटर पर आवर, यदि उसकी गति नाव के बहाव के दिशा में, जी हाँ दोस्तों वह बहाव की दिशा के विपरीत दुगुनी हो तो नाव की गति बताएं। एक बार फिर से आप क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, क्या दे रखा है, क्या पूछ रहा है, कह रहा है नाव गति नदी के बहाव की दिशा व बहाव के विपरीत दिशा की दोगुनी हो, किसकी दिशा, बहाव की दिशा में जो गति है बहाव की दिशा के विरुद्ध की गति की दोगुनी है, ये चीज तो कह रहा है कि हमें किसकी गति बतानी है, नदी की गति बताएं या कहें नदी या धारा की गति बताएं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ वाई की बात किया है हमसे, केवल यहाँ पे क्वेश्चन में वाई पूछ रहा, बहाव की दिशा में गति हम x प्लस वाई सेलेक्ट करते हैं और विपरीत जो है x माइनस वाई सेलेक्ट करते हैं, कह रहा है जो बहाव की गति है वो विपरीत दिशा की गति की दोगुनी, तो आप जो है नदी या कहें धारा की गति को पूछ रखा है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ आप देख पा रहे होंगे हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, यहाँ से 2 का मल्टीप्लाई होगा 2x - 2y, और यहाँ से 2y आएगा तो प्लस हो जाएगा क्योंकि x उधर से आएगा तो इधर आके प्लस हो जाएगा और ऐड हो जाएगा, तो सीधे सीधे आप कह सकते हैं कि यहाँ से आपको x प्लस 2x x प्लस
यहाँ से ऐसा समझिए, ये वाई है, एक्स को ट्रांसपोज करिए आप उधर, ये आप लिखेंगे 2y प्लस, यहाँ वाई पहले दे रखा है, वाई प्लस 2y, यहाँ 2x माइनस एक्स, तो ये घट के आपका एक्स मिलेगा और ये आपका 3y होगा। और यहाँ यक्स दे रखा है, यहाँ से आप देख रहे होंगे यक्स दे रखा है, शांत जल में किसकी आदमी या नाव या तैराक की गति 6 किलोमीटर पर हावर। जी हाँ दोस्तों, ये वैल्यू दे रखा है, सीधे सीधे आप यहाँ 6 रखेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, आपको वाई की वैल्यू मिलेगा या धारा की गति, ये देखिए एक्स में लिखा, तो यहाँ वाई बराबर 2 किलोमीटर पर आवर। आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस क्वेश्चन में, 6/3 आप डिवाइड करेंगे 2। इस तरीके से आप क्वेश्चन के बातों को समझिए, और क्वेश्चन की बात अगर आप समझ पा रहे हैं तो आप आंसर अच्छे से दे लेंगे। लास्ट टाइप है दोस्तों, इसमें मैं लगभग बोटन स्ट्रीम के सभी टॉपिक को क्लियर किया हूँ, जिसमें आपको अगर ये जितने टाइप आपको मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ, अगर ये टाइप आप अच्छे से पढ़ ले रहे हैं तो इससे बाहर क्वेश्चन कहीं नहीं आने वाले हैं, ये इसी में से आपको क्वेश्चन आएंगे। जी हाँ दोस्तों, इतने टाइप में आपके कोई ना कोई क्वेश्चन फंस जाएंगे, तो आपको बस यही टाइप सीखना है, इतने क्वेश्चन को ध्यान देना है। अगर आपके पास कोई नया क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं, पूछ सकते हैं, बता सकते हैं, और अगर जितने क्वेश्चन मैं अभी बता रहा हूँ इसमें कोई प्रॉब्लम होती है तब भी आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। मेरा टारगेट रहता है दोस्तों कि मैं वीडियो बना रहा हूँ तो आप तक बातें पहुँचा रहा हूँ तो वो समझ में आनी चाहिए, क्यों, क्योंकि जिसके लिए मैं वर्क कर रहा हूँ अगर वही सेटिस्फाइड नहीं है तो मेरा वर्क करने का कोई मतलब नहीं। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन पे बात कर रहा हूँ, एक नाव धारा के विरुद्ध 24 किलोमीटर तथा धारा की दिशा में 36 किलोमीटर की दूरी तय करने में 6 घंटे का समय लेती है। यदि नाव धारा के विरुद्ध 36 किलोमीटर तथा धारा की दिशा में 24 किलोमीटर की दूरी तय करने में वो 6/1/2 घंटे या कहें 13/2 घंटे का समय लेती है, तो धारा का वेग बताएं। जी हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन उन सबसे हटके है, तो अब जैसे टाइप आपका बढ़ता जाएगा, क्वेश्चन थोड़ा लेंदी होता जाएगा या कहें क्वेश्चन बढ़ता जाएगा दायरा, ये सीजीएल टायर 2 में आता है। जी हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, लोग इसको अटेंड भी किए हैं, ऐसा नहीं है लोग बस, यहाँ क्वेश्चन जब क्वेश्चन में फॉर्म हो जाता है थोड़ा टफ हो जाता है, लेकिन जो समझने वाले हैं वो आसानी से कर जाते हैं। यहाँ पे बात किया है नाव की धारा के साथ विरुद्ध गति 24 किलोमीटर, तो यक्स माइनस वाई, हमें पता है कि धारा की गति विरुद्ध जब आती है तो यक्स माइनस वाई लेते हैं, अगर उसकी दिशा में तो सीधे सीधे धारा की दिशा में यक्स प्लस वाई, इसको तय करने में हमें 6 घंटे का समय लगे। कौन कौन सी दूरी, 24 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ धारा की दिशा में आप देख सकते हैं एक्स प्लस वाई ले रहे हैं गति को, और विपरीत दिशा में एक्स माइनस वाई, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 24 विपरीत दिशा में एक्स माइनस वाई प्लस 36 धारा की दिशा में एक्स प्लस वाई, कितने घंटे, 6 घंटे। इक्वेशन 1, हमने इक्वेशन 1 बना लिया, यहाँ आप देख रहे होंगे इक्वेशन 1 अगेन क्या कहा है, यदि नाव की धारा के विरुद्ध, अब यहाँ पे अगेन क्वेश्चन में बदलाव कर दिया है, विरुद्ध 36 किलोमीटर की दूरी विरुद्ध कर, फिर दिशा में जो है 24 किलोमीटर, तो सेम दिशा में, उसको तय करने में कितने घंटे का समय ले रहा है, 6/1/2, हमने इक्वेशन, तो हमारा 2 इक्वेशन होंगे, इस 2 इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे आपको आंसर मिलेगा। पूछ क्या रहा है, तो धारा का वेग बताएं, धारा का वेग हम वाई से लेट करते हैं, जब इसको हम सॉल्व करेंगे दोस्तों वाई की वैल्यू हमें यहाँ से 2 मिलेगी, वाई बराबर 2 किलोमीटर पर आवर। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर आपको कहीं कहीं प्रॉब्लम हो रही बीच में वीडियो में तो आप कमेंट करिए, और मेरे साथ लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत